A very good morning to all of you. Today I'll talk about the topic that is zero budget natural farming. Hope everyone is aware with this, why we required it. We are having so many agricultural techniques, so many advanced techniques, so why we require it. This is an alternative system for green revolution. Because after green revolution, we have used certain fertilizers that degrade our soil quality as well as increase level of groundwater pollution. So our finance minister Nirmala Sitharam, उन्होंने 17th लोकसभा मीटिंग में इसको इंट्रोड्यूस करा और इसके लिए एक स्लोगन रखा, दैट इज बैक टू द बेसिक्स. हमें जो हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर करते थे विदाउट यूज ऑफ सर्टेन फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हमें बैक टू द बेसिक्स जाना है. बिकॉज आर इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इट दे वॉन्ट कि जो आपके फार्मर के जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज. क्योंकि जितनी ज्यादा इनपुट कॉस्ट होती है उतना ही जो फार्मर है वो डेप्थ में जाता है और सुसाइड रेट्स जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं. What is input rates? Like input rates, irrigation facilities, seeds quality आपको purchase करनी है, irrigation के लिए आपको facilities चाहिए, उसके लिए आपको loans लेना पड़ेगा और जितना ज्यादा availability of electricity is a key resource here. ट्रांसपोर्टेशन एंड जनरेशन, उनको जनरेटर चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, समटाइम्स स्टोरेज के लिए भी उनको चाहिए. इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अगर कोई विलेज है वो लोग क्या करते हैं, अपना एक टेम्पररी वेयर हाउस बनाते हैं तो उसको वो ट्राई करते हैं कि सम ए सी लगा के, तो उनको वहाँ पे भी वो कॉस्ट रिड्यूस होती है, काम करती है. ठीक है, देन उसके बाद इट इज अ बेसिकली ये क्या है, हम इसके अंदर जितने भी हमारे केमिकल्स हैं जो हम लोगों को चाहिए सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, वो हम चाहते हैं कि हम उनको नेचुरल वे से यूज करें, जिससे क्या हो, एक तो हमारा जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो, दूसरा जो हमारा, अगर हम सॉइल के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कोई भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, उससे लेटर ऑन क्या होगा, हमारी जो सॉइल की कैपेबिलिटी है वो खराब होती जाएगी लेटर ऑन. और दूसरा क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होता जाएगा. ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा तो बेसिकली डिजीज आएंगी. तो उनका मेन मोटो यही था कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग यूज करें इन स्पाइट ऑफ कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को परचेज करें, अपनी इनपुट कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी एक लेवल के बाद कम हो जाती है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा गया था. एक लेवल तक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी पर उसके बाद क्या हो गया, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया और फार्मर्स के सुसाइड रेट और वो लोग लोन्स इतना लेते हैं उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, फिर गवर्नमेंट को उनके लिए वेव करना पड़ता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज जो फार्मर्स हैं दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. बेसिकली इसके अंदर हम लोग करते क्या है, उन्होंने एक मिक्सचर दिया है दैट इज नोन एज जीवामृता. दिस मिक्सचर इज बेसिकली मेड अप ऑफ फ्रेश काउ डंग केक, एजेड काउ यूरिन प्लस फ्लोर, जैगरी एंड सॉयल एंड वाटर. दिस इज द कंपोजिशन विच दे आर यूजिंग इन देयर फील्ड्स टू मिनिमाइज. और दिस इज द यू कैन से कि एक पूरा होल सोल पैकेज है. इसके बाद आपको ना किसी इंसेक्टिसाइड की जरूरत है, ना किसी पेस्टिसाइड की जरूरत है, ना किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है जो आपको सॉयल को एज वेल एज स्पेशली प्लांट को देना पड़े. इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये प्रमोट करता है सॉयल एरिएशन को. बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर पालेकर इन 90s. तो वो क्या करते थे, लाइक हम लोग सॉयल एरिएशन के लिए हम लोग अर्थ वर्म यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिंग, जीव कंपोजिंग. उसमें हम लोग अर्थ वर्म को यूज करते हैं, उनको फील्ड्स में स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉयल होती है एरिएटेड होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर जो है बहुत कंटीन्यूअस प्रोसेस में हो सके. तो ये एरिएशन को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे. एरिएशन बेसिकली हम लाइक इट्स अ फील्ड, हम लोग यहाँ पे रोज वॉक कर रहे हैं तो जो यहाँ की जो सॉयल है वो क्या हो चुकी है, प्रेस आउट हो चुकी है. हम लोग यहाँ पे वाटर को अगर डाल रहे हैं, वाटर हमने यहाँ पे पोर किया तो वो एक लेवल तक यहाँ तक जाएगा, इसके बाद इसके अंदर वो इम्बाइब नहीं करेगा. क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड एंड गैस,
इट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड हाईली पैक्ड, जो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाती है और कुछ साइड के बाद ये एकदम से श्रिंक हो जाएगा, तो इसके अंदर पानी एम्बाइब नहीं कर पाएगा। लाइक हम लोग क्या करते हैं, जो हल होता है वो बेसिकली उसके अंदर नाइफ्स लगे होते हैं, वो सेम यही काम करता है, जो उसकी लेयर होती है उसको एरिएशन का काम करता है, जिससे क्या होगा हम ये सब करेंगे इसके अंदर तो ये जो एयर होगी ये यहाँ पे क्या होगा लूज हो जाएगी सॉइल। हमने पानी को पोर किया तो वो जा पाएगा जहाँ तक रूट्स हैं, तो रूट्स के पास जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी होगी, और अगर रूट्स के पास न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छी होगी तो ऑब्वियसली प्लांट अच्छा होगा। देन उसके बाद क्या है, दे यूज्ड दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेड माइक्रोबियल ग्रोथ, इससे अपने आप से माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो हो जाती है बिकॉज वी आर यूजिंग बायोमास, और बायोमास क्या है किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ को एनहांस करता है, एंड इट इज ऑल्सो कैटलिटिक एक्टिविटी दैट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आई सेड। एंड अनदर मिक्सचर इज बीजा मूथा, दिस इज दैट मिक्सचर इज बेसिकली फॉर सीड, ये मिक्सचर हम लोग फील्ड पे यूज कर रहे हैं और वो उसके लिए सीड को यूज करते हैं ताकि जो आपकी सीड क्वालिटी भी है वो भी इम्प्रूव हो सके, क्योंकि बेसिकली सीड क्वालिटी के ऊपर ही सारा प्रोडक्शन हमारा डिपेंड करता है, 50% ऑफ द प्रोडक्शन। एंड इसके अंदर सिर्फ 30 एकड़ के लिए हमें सिर्फ 1 cow इज रिक्वायर्ड, नथिंग मोर देन दैट, ओनली 1 cow इज रिक्वायर्ड। That means we are trying to transform India, which is using cow dung as a natural fuel, as a cooking fuel. We are transforming here. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर जो हमारा वो है डिपेंडेंस है वो कम होगा कर रहा है। ठीक है सर, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रिक्वायर्ड इफ यू आर यूजिंग बोथ ऑफ दीस मिक्सचर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप ये अपने फील्ड पर 3 years कंटीन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो योर फील्ड विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। Okay. उसके बाद okay. आपको फ्यूचर में आपको कोई पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनका सेकंड मोटो है कि आपको सेल्फ सस्टेन बनना है। एंड दिस इज ऑल्सो इसके बाद आप इसको यूज करते हैं तो आपको वाटर मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होगा, आपका जो लैंड होगा उसका एरिएशन अच्छा हो जाएगा तो वाटर इम्बाइब कर पाएगा, और जितना वाटर इम्बाइब जाता है उसका जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जितना वाटर इन डेप्थ तक जाएगा वो ऑब्वियसली कम ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब कि वो क्या होगा बाहर इवेपोरेट कम होगा पानी, तो उसकी वजह से क्या रहेगा सॉइल के अंदर पानी की क्वांटिटी मेंटेन रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम। अगर मैंने आज पानी लिया है तो वो मेंटेन रहेगा 10 दिन तक, तो आपकी जो सॉइल की वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। तो ये एक तरह से वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं। इट प्रमोट्स सोइल एरिएशन, मिनिमम वाटरिंग, एंड आल्सो फेवर इन इंटरक्रॉपिंग, बेंड टॉप सोइल, डिस्करेज इंटेंसिव इरिगेशन आल्सो। एंड फिर यहाँ पे कुछ डाटा है, नेशनल सर्वे जो हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे 70% फार्मर्स हैं वो डेब्ट में हैं बिकॉज ऑफ लोन्स, कि उनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। लाइक आंध्र प्रदेश में इट इज़ अबाउट 90%। अब गवर्नमेंट ने एक इसके लिए बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2022 वो इसके लिए फंडिंग करेंगे अप्रॉक्स 9,035 crores, एंड 2017 की स्टडी में देखा गया इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन नीति आयोग टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ सीड्स बाय द यूज ऑफ बीजा मूर्था एंड जीवा मूर्था। And according to the economic survey last year, 1.6 lakh farmers are using this techniques, 1,000 villages are using these kind of, and in UP, in Modinagar, we are also cultivating rice and wheat according to this technique to evaluate ki kya condition rahi. Ye abhi process mein hai. So is it good food for our farmers? Yes. अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कैसे एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है? लाइक यस सर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा ऑलरेडी यूजिंग दिस टेक्निक, एंड यूपी में अभी हम लोगों ने मोदीनगर में प्लांट किया है,
बासमती राइस एंड वीट, तो अभी उसका इवैल्यूएशन होगा, अभी उसका क्रॉपिंग खत्म हुआ नहीं. डन. यस. वेरी गुड.